हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज संजय। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके सामने कॉमन एरर्स का टॉपिक लेके आया हूँ। 10 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है यहाँ पे, जो कि 2017 के क्वेश्चन पेपर से जो है पिक आउट किया गया है। जो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है जो कि कॉमन एरर या स्पॉटिंग एरर कह सकते हैं। आज जो 10 क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर आप इसको अच्छे से देखते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, एवरीबडी नोज दैट भूटान इज दी मोस्ट पीसफुल ऑफ ऑल अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे एक बार ही देखेंगे तो कोई एरर आपको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ गाइज, यहाँ पे जो ऑल अदर है, ऑल अदर या फिर एनी अदर, ऑल अदर आ जाए वाक्य के अंदर या फिर एनी अदर आ जाए, तो ये इनके साथ कभी भी सुपरलेटिव डिग्रीज का प्रयोग नहीं किया जाता है। The most का, any other, all other के साथ superlative degree का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि ये already part हैं comparative degrees के, ये दोनों ही part हैं comparative degree, इसलिए यहाँ पे most, the most यहाँ पे आ चुका है, यानी कि superlative degree आ गया है, तो यहाँ पे हमारा error ये वाले part में है, any other और all other, ये superlative degrees के साथ नहीं आते हैं। Next देख लेते हैं, the two men were quarreling with one other, claiming that same watch as their own. दो आदमी झगड़ रहे हैं एक एक घड़ी के ऊपर, जो कि कह रहे हैं कि दोनों की वो उनकी है, यानी कि हर कोई कह रहा है कि वो उसकी है। लेकिन आपने ध्यान दिया हो, दो आदमी जो झगड़ रहे हैं, वन अनदर, गाइस वन अनदर कभी भी दो आदमियों के साथ नहीं लगाया जाता है, ये दो से ज़्यादा के लिए लगाया जाता है। अगर दो आदमी आपस में झगड़ रहे हैं तो ईच अदर आएगा। आप ध्यान दें यहां पे दो के लिए ईच अदर, लेकिन अगर दो से ज्यादा है तो वन अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीज काइंड ऑफ क्लॉथ्स आर रादर एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाय। कहता है कि ये जो कपड़े हैं, इस तरह के कपड़े हैं, ये मेरे लिए काफी महंगे हैं खरीदने, मैंने खरीद नहीं सकता हूं। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि दीज काइंड ऑफ, तो दीज काइंड में एरर यहां पे नजर आ रहा है कि दीज काइंड्स, क्योंकि प्लूरल है, यहां पे प्लूरल है तो हमने काइंड्स के साथ भी ऐसे लगा के इसको प्लूरल करना पड़ेगा। और यहां पे होता दिस काइंड तो फिर यहां पे एरर बनता था हमारा दिस काइंड ऑफ, तो एरर हमारे फर्स्ट पार्ट में है, दीज काइंड की बजाय यहां पे दीज काइंड्स ऑफ होएगा, तो ये एरर है हमारा। नेक्स्ट देख लेते हैं, द क्लाइंब अपसाइड द माउंटेन्स वॉज नॉट ईजी। पहाड़ों पर ऊपर चढ़ना आसान नहीं है या आसान नहीं था। तो आप देखें कि यहां पे एरर क्या है, द क्लाइंब अपसाइड द माउंटेन्स वॉज नॉट ईजी। लग तो नहीं रहा कि कोई एरर है, लेकिन यहां पे एरर ये है कि क्लाइंब जो ऑलरेडी एक प्रोसेस है, क्लाइंब ऑलरेडी एक ऊपर चढ़ने का प्रोसेस है, क्लाइंब का मतलब ही ऊपर चढ़ना होता है, तो यहां पे अपसाइड जो है इसकी आवश्यकता नहीं है, तो ये हमारा एरर बन रहा है। यहां पे ऑलरेडी क्लाइंब में ही आंसर छुपा हुआ है ऊपर चढ़ना, तो अपसाइड यहां पे हमें आवश्यकता नहीं है इस सेंटेंस में, तो यहां पे ये एरर हमारा बन रहा है एरर नंबर ए में या फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट है, चिल्का इज द लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लगून इन द वर्ल्ड। चिल्का जो है सबसे बड़ी झील है खारे पानी की दुनिया में, संसार में, तो यहां पे मुझे कोई एरर नहीं नजर आ रहा है। चिल्का इज द लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लगून इन द वर्ल्ड, तो ये सही है, इसमें नो एरर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अनलेस यू डोंट ओबे योर एल्डर्स यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ। जब तक आप अपने परिवार वालों की, अपने फैमिली की बात नहीं मानते हैं, आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते अपनी जिंदगी में। तो गाइस जो नोट करने वाली बात है वो है अनलेस की, अनलेस के अंदर ऑलरेडी नेगेशन छुपा हुआ है, अनलेस या फिर अनटिल, इन दोनों के साथ हम नेगेटिव नेगेशन का प्रयोग नहीं करते, ऑलरेडी यहाँ पे इनके अंदर ही नेगेटिव है, तो यहाँ पे ये डोंट का प्रयोग एक्स्ट्रा हो रखा है, तो अनलेस यू ओबे योर एल्डर्स यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ करेक्ट सेंटेंस रहेगा, यानी कि जो एरर है वो फर्स्ट पार्ट में है डोंट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डली हैड आई रीच द एग्जीबिशन वेयर आई लर्नड अबाउट द मेजर रॉबरी। तो यहाँ पे भी आप ध्यान से देखिए, हार्डली हैड आई, मुश्किल से मैं पहुंचा ही था एग्जीबिशन में कि मुझे पता चला
कि वहां पे रॉबरी यानी कि डाका पड़ा है, मुश्किल से, स्केर्सली, हार्डली स्केर्सली। तो इनके साथ आपने वेयर नहीं लगाना है, वेन लगाना है, हार्डली वेन। हार्डली के साथ हमेशा वेन का प्रयोग किया जाता है, तो हार्डली के साथ हमेशा वेन का प्रयोग किया जाता है, ना कि वेयर का। तो हमारा एरर बी में है, यानी कि सेकेंड पार्ट में है, वेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नो सूनर डिड द सन राइज वेन वी रिज्यूम्ड द जर्नी आफ्टर हैविंग अ हैवी ब्रेकफास्ट। जैसे ही सूरज निकला, हमने अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी, यानी कि शुरू कर दी दोबारा से। तो नो सूनर के साथ भी आपने ध्यान देने वाली बात है, नो सूनर के बाद कभी भी वेन का प्रयोग नहीं किया जाता है, देन का प्रयोग किया जाता है। नो सूनर के बाद देन का, और हार्डली के साथ बाद वेन का, हार्डली वेन और नो सूनर देन। तो ये आप ध्यान देंगे, ये सेंटेंस के अंदर आपको इजीली पता लग सकता है जैसे ही आप ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ वाला, कि माई एल्डर सन डील्स विद स्पेयर पार्ट्स एंड मैनेजेस हिज ब्रेड एंड बटर। कहते हैं कि मेरा लड़का, जो बड़ा लड़का है, वो डील करता है, यानी कि व्यापार करता है स्पेयर पार्ट्स में, और अपनी रोजी रोटी चलाता है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान देंगे, डील्स विद और डील्स इन, दो चीजें होती हैं, डील्स इन एंड डील्स विद। जब आप डील्स इन करते हैं तो किसी चीज के बारे में, समथिंग, कोई ऐसी चीज जिसमें आप सेल करते हैं, परचेज करते हैं, तो डील्स इन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आपने डील्स विद देख लिया, इट मींस वहां पे डील्स विद करना होता है किसी इंसान के साथ डील करना, यानी कि किसी पर्सन के साथ आप डील विद का प्रयोग कर सकते हैं, ना कि डील्स इन। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि स्पेयर पार्ट्स के लिए हम इन का प्रयोग करेंगे। एरर हमारे फर्स्ट पार्ट में ही है, इन, यहाँ पे डील्स इन आएगा। माई एल्डर सन डील्स इन स्पेयर पार्ट्स एंड मैनेजेस हिज ब्रेड एंड बटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्नेहा वॉज एक्यूज्ड फॉर मर्डर ऑफ हर हस्बैंड बट द कोर्ट फाउंड हर नॉट गिल्टी एंड एक्विटेड हर। इस क्वेश्चन में देख लेंगे कि स्नेहा को जो है चार्ज किया गया था, उसको उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया था उसके पति की हत्या के बारे में, लेकिन कोर्ट ने उसको जो है खारिज कर दिया, क्योंकि वो जो है उसमें शामिल नहीं थी। तो उसने, कोर्ट ने उसको आज़ाद कर दिया, बरी कर दिया। एक्विटेड का मतलब होता है बरी करना। तो यहाँ पे एक्यूज्ड पे आ जाएंगे, एक बार ध्यान देंगे। यहाँ पे एक्यूज्ड के साथ फोर का प्रयोग नहीं किया जाता है, एक्यूज्ड के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है, किसी का कारण होना, एक्यूज्ड ऑफ। स्नेहा वॉज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ हर हस्बैंड बट द कोर्ट फाउंड हर नॉट गिल्टी एंड एक्विटेड हर, ये राइट आंसर होएगा। तो ऑफ आएगा, एक्यूज के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है। होप आपको पसंद आता है, तो प्लीज इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।